मैं निखिलेश सेठी, कन्वीनर इंटेक कोटा चैप्टर, इस कोरोना क्राइसिस के पीरियड में आयोजित कोटा क्रिएटर्स ऑनलाइन आर्ट एग्जीबिशन के सफल आयोजन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हाड़ौती के कला जगत से जुड़ी डॉक्टर मुक्ति पाराशर और श्री अतुल शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, जिनके अथाह प्रयास से ऑनलाइन मंच पर हमें 3 generations के आर्टिस्टों की कला एक साथ देखने को मिल रही है, जिसमें कला जगत में उतरे 20 वर्ष के नवयुवकों को कला के श्रेष्ठियों के साथ एक मंच पर कला के वरिष्ठ गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ है। हमारा हाड़ौती क्षेत्र सदियों से अपनी कला के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, यहाँ के भित्ति चित्र आदि अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। कला प्रकृति से प्रेरित रहती है और हमारे हाड़ौती को प्रकृति का अथाह खजाना प्राप्त हुआ है। मैं कोटा क्रिएटर्स के समस्त कलाकारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और डॉक्टर मुक्ति पाराशर और अतुल शर्मा जी से यह अपेक्षा करता हूं कि वे अपना यह प्रयास निरंतर जारी रखें, ताकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के समस्त कलाकारों और कला प्रेमियों के लिए यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपनी अलग पहचान दिलाए। इंटेक की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कलाकारों द्वारा 13 जुलाई से ऑनलाइन एग्जीबिशन का शुभारंभ होने जा रहा है, उसमें मुक्ति पाराशर और अतुल शर्मा को बहुत बहुत हार्दिक बधाई जो ये सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 13 जुलाई 11 बजे। ग्रुप के एडमिन डॉक्टर मुक्ति पाराशर एवं अतुल शर्मा दोनों को साधुवाद देती हूँ कि जिन्होंने 20 से 80 वर्ष के नव उदित कलाकारों को एक मंच प्रदान किया। इस ग्रुप की हर कलाकार का माध्यम अलग अलग है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। सच है, हर व्यक्ति कला के लिए स्वतंत्र है, वो किसी भी माध्यम से अपना काम, अपना सृजन प्रदर्शित कर सकता है। बस शर्त है तो ये कि वह संवेदनशील होना चाहिए और कर्मठ होना चाहिए, निरंतर काम करने वाला। कुछ अपने कैरियर में मैंने देखा कि कुछ विद्यार्थियों को ये भ्रम रहता है कि हम एक जैसा काम करें तभी हमारी पहचान बनेगी, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ आज कि ऐसा नहीं है। आप निरंतर काम करते रहिए, आपकी पहचान स्वतः ही बन जाएगी। आप किसी भी विषय पर काम करिए, जब हम कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि हम एक जैसा बोलें तभी हमारी पहचान बनेगी। अलग अलग विषयों पर अलग अलग काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी एक शैली, हमारी एक कला लोगों के साथ प्रेषित होती है और उसी से हमारा एक पहचान बनती है। तो मेरा आज नव उदित कलाकारों को यही शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहती हूँ कि वे अपना काम निरंतर करते रहें। नमस्कार, मेरा नाम शरद भारद्वाज है। कला जगत में लोग मुझे ब्लू प्रिंटर के नाम से जानते हैं। कोटा क्रिएटर्स के ग्रुप के नाम से मुक्ति पाराशर जी, अतुल शर्मा जी सोमवार 13 जुलाई से 11 बजे से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा शो लेके आ रहे हैं, जिसमें 20 से 80 साल की उम्र के काफ़ी आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स आपके सामने लेके आ रहे हैं। मैं अपनी ओर से शुभारंभ करना चाहूँगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा अतुल शर्मा जी, मुक्ति पाराशर जी को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ये माहौल तैयार किया और एक शो लाने का सोचा। कोटा और हाड़ौती का पहले भी काफ़ी बड़ा नाम रहा है कला जगत में, तो मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट और अच्छे काम वहाँ से निकल के आए। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, एंड खूब अच्छे से करिए, खूब अच्छी एग्जीबिशन करिए। थैंक यू सो मच।
feeling
Thank you.